हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, चलो चलते हैं ट्रेन। तो अभी हम लोग हैं ट्रेन में और पहुंचने वाले हैं। ट्रेन जो है बहुत ही ज्यादा लेट थी, सुबह में पकड़ने में ट्रेन तो बहुत ही ज्यादा लेट आई और टाइमिंग का पहले 1.5 घंटा डिले थी ट्रेन, अब 2 घंटा डिले हो चुकी है। तो हम लोग का अजमेर पहुंचने का टाइमिंग 1 बजे था और अभी हम 4:30 या 5 बजे तक पहुंचेंगे अजमेर। तो बस बस अभी पहुंचने वाले हैं, क्रॉस हुआ है और अजमेर आने वाला है नेक्स्ट स्टॉप अजमेर। तो ब्लॉग को पूरा देखना एंड तक और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ये ब्लॉग जो भी आप लोग देख रहे हो मैं मुंबई आके अपलोड कर रहा हूँ। तब तक आप लोग बने रहो ब्लॉग में, मैं थोड़ा सिनेमैटिक देता हूँ ट्रेन का कार का। आ जाओ अजमेर पहुंच चुके हैं। मेरा तो फर्स्ट टाइम है गाइस अजमेर में, इसका पता नहीं पार्टी चल रही बात है, मेरा तो पहली बार है, फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो लोग चलते हैं अभी। 14 लेक्चर बचपन में से कम से कम, ये साल का 14 लेक्चर और बचपन में कम से कम 20-25 साल आ गया। मेरा तो गाइस ये पहला चक्कर है, देखते कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मज़ा तो बहुत आने वाला है। सिनेमैटिक कैसा लगा कमेंट में बता देना। चलो चलते हैं। किधर जा रही है? आगरा नहीं अजमेर जा रही है ना, तो इधर तो देख गुरु गाइस हम लोग अजमेर जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अभी स्टेशन से बाहर जाते हैं और रिक्शा या टैक्सी जो भी लेते हैं। उससे पहले गुरु गाइस कुछ खाना पीना पड़ेगा, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। चलो गाइस अभी रिक्शा मिल चुकी है, यहाँ पे धूप बहुत ही ज्यादा है, एकदम सहन के बाहर, सहन सिटी के बाहर वाली धूप है यहाँ पर। या दोस्तों मैं हूँ हमारा ब्लॉग चल रहा है, अभी हम लोग आए हैं 2.5 दिन की झोपड़ी। दोस्तों आइए ओवर भी देता आपको। तो गाइस बेसिकली इसको 2.5 दिन की झोपड़ी इसलिए कहते हैं, ये जो पूरा आप लोग ये सब देख रहे हो ये पूरा स्टार्ट टू एंड जिधर से भी हम लोग चढ़ कर आए, और ये सामने पूरा ये पेड़ वगैरह और ये जमीन जिसपे अभी हम लोग चल रहे हैं, ये पूरी जो है 2.5 दिन के अंदर अंदर बनकर रेडी हो गई थी, इस वजह से इसे 2.5 दिन की झोपड़ी कहा जाता है। और मतलब ये अनबिलीवेबल है कि ये 2.5 दिन में इतना कैसे बना रहेगा। हाँ ये देख सकते हो गाइस 2.5 मीनार है इसकी, एक प्यारा सा कबूतर भी बैठा हुआ है, मगर व्यू तो बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। पहाड़ भी देख सकते हो क्या व्यू आ रहा है। तो अगर आपको 2.5 दिन की झोपड़ी आना है तो उसके लिए आपको पहले आना होगा अजमेर। अजमेर से आपको अगर ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह जाना है तो आप उधर भी जा सकते हो। अगर आपको और दिलचस्पी है घूमने की और थोड़ा एक्सप्लोर करने की तो आप 2.5 दिन की झोपड़ी अगर एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी जगह है। नाउ यार अजमेर, और अभी मैं रात के टाइम हूँ बिकॉज सुबह में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो ठीक से शूट करने नहीं मिलता, तो अभी आपको ओवरलुक दे देता हूँ पूरा। एंट्री गेट है गाइस,
ये जो लोग सोते हुए दिख रहे हैं इनको इग्नोर करो, बिकॉज जो यहाँ पर आकर रूम वगैरह नहीं लेते हैं वो यहाँ पर सोते हैं। ये देख सकते हो गाइस डेक, वहाँ पर भी एक डेक है। आ जाओ आपको डेक दिखाते हैं, वो देखो गाइस सबसे प्यारी चार चीज। पैसा नहीं डाला तो मोबाइल छीन ले गया। ये कौन सी बात हो गई गाइस, पैसा नहीं डाला तो मोबाइल से नहीं आओ, फिर भी एक बार दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो गाइस वन ऑफ द बिगेस्ट डेक आप बोल सकते हो वर्ल्ड की, जो स्थित है अजमेर में, और यहाँ से देख सकते हो ओवरव्यू, बहुत ही बड़ी डेक है। वहाँ पर अभी जो है मीठे चावल बन रहे हैं न्यास के लिए। चलो अंदर जाते हैं, अंदर से आपको दीदार कराते हैं अजमेर शरीफ का, ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ से निकल दरगाह का। कैसी है दरगाह, के ये देख सकते हो यहाँ पे आप वजू कर सकते हो, वजू खाना एक कितना वजू प्यारा खाना है। और है। एक वजू खाना और है जो कि वहाँ आगे है, चलो देख कर आते। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह की मस्जिद में, ये देख सकते हो गाइस मस्जिद, शाहजानी माशाल्लाह मस्जिद एरिया माशाल्लाह, इसको कहा जाता है, शाहजानी मस्जिद। बहुत ही अपना प्यारी दरगाह। और गाइस इसमें मैं आपको एक खास चीज बताता हूँ, इसके लिए हमको वो साइड जाना पड़ेगा। चलो वो साइड चलते हैं और बताते हैं आप क्या है वो खास चीज। एक और एक वजू खाना है, ये पीछे पूरी दुकान देख सकते हो आप, मस्त लग रही खूबसूरत है। तो गाइस दिस इज मुसाफिर खाना जो कि बहुत ही ये बड़ा है, लंगर खाना है। और यहाँ पर लंगर भी खिलाया जाता है, बट आज कुछ है नहीं, कल होगा यहाँ पे लंगर, बट हम लोग कल सुबह यहाँ नहीं रहेंगे, कल सुबह की हमारी ट्रेन है। और जो है कल यहाँ पर क्या मिला मिला, नाथ नाथ जश्ने जनाबे अबू तालिब का बर्थडे का घर। कल विलादत है अबू तालिब, विलादत है जनाबे अबू तालिब थी, तो इधर जश्ने अबू तालिब बनाया जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को मदीने वाली फील आती है गाइस, ये ऊपर ये जो है ना ये अम्ब्रेला छतरी, अम्ब्रेला इसको देखकर ये लंगर खाना है, यहाँ लंगर बनता है और ये खिलाया लाइन जाता में ये है, लाइन लगती है। और जो कि हमारी नसीब में शायद नहीं थी। हम लोग 2 दिन से यहाँ पर आए हुए हैं, बट यहाँ एक देखेंगे भी तो बार हम यहाँ लोग भी यहाँ दरगाह लंगर के लिए है, नहीं गए। यहाँ भी दरगाह है, गरीब नवाज सरकार की शहजादी होगी। आओ मैं जो आपको खास चीज बोल रहा था वो खास चीज आपको दिखाते हैं, चलो वो साइड चलते हैं, देखा जाएगा। ये दिखा रहा है, ये वो है। यहाँ पे जो वजू खाना आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, ये देखो गुलाबी गुलाब आपको यहाँ देखने को मिलेगी। चलो अभी खास चीज जो है वो दिखा के आते हैं आपको। जो मैं खास चीज आपको बोल रहा था वो है झूमर, जो कि मेरे नाना ने बनाए थे, ये देख सकते हो बनाए भी उन्होंने लगाए भी उन्होंने। ये एक झूमर नहीं है, एक इधर है, एक दरगाह के अंदर है और एक वहाँ ये पर मुसाफिर बड़े खाना वाले है, मुसाफिर खाना में। माशाल्लाह दरगाह कितनी प्यारी लग रही है ना यहाँ से, तो ये देख सकते हो गाइस अंदर से दरगाह, अंदर भी बहुत सारी दुकान माशाल्लाह। माशाल्लाह। कुछ कुछ झूमर मेरे नाना के ही होंगे बट मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे वहां के दो पता थे। वाह माशाल्लाह, या तराजू है या बच्चे लोग को तोला जाता है, यहाँ तराजू है गाइस, यहाँ बच्चों लोग मन्नत को तोला अन्नत जाता जो है, मन्नत अन्नत जो रहती है यहाँ वो लोग देख सकते ये हो धागा मस्जिद है, धागा बांध करते हैं, दरगाह ये भी ये मन्नत मस्जिद मांगते हैं। मैंने भी सोचा था मांगू, मैंने भी मांगी है है। ये मन्नत, जो जगह है ना वो उधर, अपना ये जगह पे पूरी। दिखा, ये जो जगह है ना, ये जो दिख रही है आपको, ये जो नीचे उधर ये जो जगह है ना, ये इधर उर्स के टाइम पे सिलसिला चिश्तिया के बहुत ही बड़े शहजादे यहाँ बैठे थे, और बहुत बड़ी हस्ती है माशाल्लाह से। तो वही बता रहा था क्या, बहुत ये पास भी जगह गाइस मुसाफिर खाना है, यहाँ पे आप रुक सकते हो कभी आओ तो। ये वजू खाना, ये तीसरा गेट है दरगाह का, औलाद गरीब नवाज बैठे थे। एक गेट तो बंद हो चुका है यहाँ का, यहाँ का गेट बंद चुका है, बड़ा वाला गेट जो है वो अभी चालू है, वो देख सकते हो हमेशा खुला मस्जिद देखो। रहता हाँ है। गाइस कैसी लगी आपको दरगाह मुझे कमेंट में बताना, झूमर कैसे लगे, चंडेर कैसे लगे वो भी कमेंट में बताना। और चलो अभी चलते दस नंबर हैं, गेट जाओ शायद पानी अभी नहीं भरा बंद गया। हो चुका है।
जो ये गेट है ये बंद नहीं होता है। गेट 365 दिन खुला रहता है साल के, 365 दिन। नमाज छठा चक्कर है। तो गाइस मेरा तो पता नहीं अब मेरा कब आना होगा, मगर भाई का साल का चौथा चक्कर है, क्योंकि भाई के पास अंधा पैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह चक्कर लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस मैं भी जो हूँ, अगर इना सरकार और करम मैं फरमाए जब से पैदा हुआ था कभी नहीं आया था, आज कौन पहली आएगा। मतलब ये इस महीने में पहली मतलब दरगाह पे मैं पहली बार आया हूँ। अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा लगा। हाँ, वो अपनी पूरी जिंदगी जब से पैदा हुआ हूँ तब मैं पहली बार आया हूँ, पता नहीं कब आना होगा। इसमें से मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ यादगार के लिए, मैं तो क्या मालूम कितनी बार आ चुका हूँ, मेरी तो गिनती ही नहीं। अब पता नहीं कब आना होगा, पता नहीं सरकार दोबारा कब आ पाएंगे। ये आज ही मस्जिद है, देख ले रहा हूँ मैं ये आखिरी बार मस्जिद का रिकॉर्ड। गेट है जो ग्रीन कलर का आपको दिखता है दरगाह के पास, मस्जिदें सर अंदर दुकानें हैं जो कि रात रात तक खुली रहती है, ये दुकानें हैं, कुछ कुछ बंद हो जाती हुजरे है। हैं चोर सामान लोगों के। अस्तगफिरुल्लाह, ये मुझे अस्तगफिरुल्लाह नहीं, मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको वो भी आपको अगले ब्लॉग में अच्छे से अगले ब्लॉग में एक्सप्लेन नहीं इसी ब्लॉग में मिलेगा। चलो तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही है, कुछ बातें और हैं जो कि हम रूम पे बैठ के करेंगे, तो यहाँ मिलते पर हैं करना आपको ठीक नहीं रूम पर। यहाँ पे करेंगे तो थोड़े मसले हो जाएंगे। जेल में भी लोग आवाज।